विशेषता है कि शारीरिक रूप से तुम सक्षम हो दूसरे की सहायता और मदद करो जिस किसी की। ये नहीं कि माँ बाप तक सीमित है, ये नहीं कि बूढ़े बुजुर्गों तक सीमित है। वो सेवा तुम जवान की भी कर सकते हो, बीमार की भी कर सकते। छोटा बच्चा बीमार होता है उसकी नहीं करते क्या? जिसका कोई सहारा नहीं है उसकी नहीं करते क्या? अपने की करना मजबूरी है, दूसरे की करना जरूरी है। मजबूरी में जो करते हो वो सेवा नहीं है, वो तो तुम्हारे सिर कर्जा है। कर्ज उतारते हो कोई बड़ी बात नहीं। माँ बाप की सास ससुर की सेवा करते हो ना, ये सेवा नहीं, कर्ज है तुम्हारे सिर पर। उन्होंने कर्ज चढ़ा रखा है उसको उतारते हो ना, उतारते जरा को कर्ज सिर पर। हम यही तो कहते हैं कि बुजुर्गों की माँ बाप की सेवा करो तन से, बड़ी अच्छी बात है। शास्त्रों में इस बात को लिखा तन पवित्र सेवा की है। उसमें ये डिफाइन नहीं किया कि माँ बाप की सास ससुर की सेवा। सेवा सेवा कोई भी हो, ऊंच हो नीच हो, छोटे की हो बड़े की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई धर्म भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, और उनको किसी भी प्रकार से हम अगर भिन्नता का सवाल ले आते हैं तो सेवा नहीं। लेकिन वो सेवा मजबूरी नहीं है, स्वेच्छा से सेवा जो की जाती है वो दिल से की जाती है, वो फलीभूत होती है। और जो मन से नहीं की जाती है वो निष्फल होती है। सेवा वही उत्तम है जिसने दिल लगा के और निष्काम भाव से, जिसके पीछे कोई कामना नहीं हो, वो सेवा। माँ बाप की सास ससुर की घर वालों की रिश्ते नातेदारों की वो तुम्हारी मजबूरी है, कर्ज है तुम्हारे ऊपर, वो करते हैं। सेवा किसी दूसरे के जिससे हमारा लेना देना नहीं, वो सेवा सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची सेवा।